ionization chamber used for determining the intensity of a beam of radiation. Ionization chamber का यूज क्या है? इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन. एंड टू काउंट इंडिविजुअल चार्जेस Ionization chamber consisted of a cylindrical tube which is having the conducting walls. The walls of these tubes are conducting. There is a central wire fixed at the center of this cylindrical tube. Here this window of the tube is having the thin wall. This is the thin wall window. This wall of the tube is connected with the negative terminal or the negative potential and anode. That is, the central wire is connected with the positive terminal through the resistance R. And the pulse is noted on the pulse amplifier. This is the construction of ionization chamber. This cathode wall is connected because it is connected to the negative terminal, so it is known as the cathode. Ionization chamber works on the principle that charged particles can ionize a gas. Charged particles कौन से? जो हमें गैस के the charged particle which ionizes this gas. Gas is filled inside the cylindrical tube. This gas in case of ionization is kept at low pressure because the ionization chamber do not work on the principle of multiplication of charges. Multiplication का मतलब क्या होता है कि गैस एक बार आयनाइज्ड हो गई, उसमें पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन डेवलप हो गए, बन गए. इलेक्ट्रॉन एक बार बनने के बाद बैटरी की पोटेंशियल इतनी हो कि वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर दें और उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करें. दैट इफेक्ट इज़ नोन एज मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट. बट आयनाइजेशन चैम्बर, वो जो मल्टीप्लीकेशन इफेक्ट होता है वो हाई प्रेशर गैस पर पॉसिबल है, हाई वोल्टेज पर. बट इन केस ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर द गैस इज एट द लो प्रेशर. द गैस मे बी एयर और हाइड्रोजन गैस. गैस डिपेंड नेचर ऑफ गैस कि गैस हमें कौन सी लेनी है इनसाइड द चैम्बर, दैट विल डिपेंड ऑन कि हम किस पार्टिकल को डिटेक्ट करना चाहते हैं. Because the central wire is connected to the positive potential, so this is known as anode, and conducting walls are known as cathode. जैसे ही charge particle incident होगा gaseous medium में, तो क्या होगा? Gas ionize हो जाएगी and ion pairs formed. आयनाइजेशन हो जाएगा गैस का. जैसे ही इसमें चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट हुआ तो आयन पेयर्स फॉर्म होंगे. आयन पेयर्स कैसे होंगे? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, दैट इज इलेक्ट्रॉन. जैसे ही गैस चैम्बर में
चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट होंगे, आयन पेयर्स बन जाएंगे, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। जब ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे तो इनको एक फोर्स चाहिए जिससे ये एनोड और कैथोड की तरफ मूव कर सके, मतलब अपना जो इनका रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड है, जैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्नल की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्नल की तरफ, तो अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने के लिए इनको डायरेक्शन कौन देगा, ये वोल्टेज। तो वोल्टेज हमें इसलिए अप्लाई यहाँ करनी है। वोल्टेज का काम आयनाइजेशन करना नहीं है। आयनाइजेशन किसकी वजह से हुआ? चार्ज पार्टिकल की वजह से। जो नंबर ऑफ आयन पेयर्स बने वो चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बने हैं, मीन्स जो इनिशियल पल्स हमें मिलेगी वो सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड होगी, उसके नेचर पर डिपेंड होगी, गैस के नेचर पर डिपेंड होगी, पर इस पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं होगी। दिस इज ओनली टू गिव द डायरेक्शन ऑफ टू द पॉजिटिव आयन एंड इलेक्ट्रॉन कि उनको किस तरफ मूव करना है। सो विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज द इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द एनोड एंड द पॉजिटिव आयन्स विल मूव टूवर्ड्स द कैथोड। तो एक स्टेज आएगी जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गया एनोड पर, पॉजिटिव आयन कैथोड बॉल्स पर लिबरेट हो गया, तो क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एक लेयर फॉर्म होगी एनोड पर, तो और नंबर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो उस पर लिबरेट नहीं होने देंगे ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं उनका क्या होगा, और जो मोर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन्स बने हैं जो अब कैथोड पर लिबरेट नहीं हो सकते, वो क्या होंगे, ट्यूब के सेंटर पर जाकर रिकम्बाइन होने की कोशिश करेंगे। तो वो क्या होंगे, रिकम्बाइन होंगे एट द सेंटर ऑफ द ट्यूब। रिकम्बिनेशन स्मॉल होगा पर इसको भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वोल्टेज। अगर वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स हैं विल पास टू द एक्सटर्नल सर्किट एंड यहाँ एक स्ट्रे कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा ड्यू टू दिस ग्राउंड पोटेंशियल एंड इट विल कलेक्ट द चार्ज। इस स्ट्रे कैपेसिटेंस के साथ हमने लगा रखा है इलेक्ट्रोमीटर, तो जो भी इस चार्ज की वजह से करंट फ्लो करेगा वो करंट हमें हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर में आ जाएगा कि कितने चार्ज जो हैं वो यहाँ से पास होकर आए हैं जिनकी वजह से इतना करंट बना है। बिकॉज वी नो दैट द चार्ज करंट इज dQ/dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एंड हेयर चार्ज इज कलेक्टेड ऑन द कैपेसिटेंस, सो वी कैन से दैट विद द चेंज ऑफ पोटेंशियल वी कैन कलेक्ट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और क्या होगा, अगर हम पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो अब जो रिकम्बिनेशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल हमने बढ़ा दी, रिकम्बिनेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर रिकम्बिनेशन जीरो हो जाएगा। रिकम्बिनेशन विल बी जीरो व्हेन देयर इज द इनफ पोटेंशियल टू मूव द चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स एंड ऑल ऑफ द चार्जेस कलेक्ट एट द पल्स एम्पलीफायर। जो चार्ज अब यूनिफॉर्मली फ्लो कर रहा है और जो पल्स में पल्स की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कॉन्स्टेंट हो गई है शुरू में स्टार्ट। रिकम्बिनेशन जब जीरो हो जाएगा उसके कोरस्पॉन्डिंग करंट को सैचुरेशन करंट कहेंगे एंड आयनाइजेशन चैम्बर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सैचुरेशन करंट क्या होगा, द आयनाइजेशन चैम्बर विल बी इन द सैचुरेशन स्टेज, मीन्स नो मोर इंक्रीज ऑफ पल्स विल बी शोन इन द पल्स एम्पलीफायर। पल्स एम्पलीफायर में रिकम्बिनेशन जीरो होने के बाद जो वोल्टेज है वो सेम वैल्यू की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इफ वी ड्रॉ द वोल्टेज पल्स, तो वोल्टेज पल्स हमें कैसे मिली है, इन केस ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर द वोल्टेज प्लस पल्स इज दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज और यहाँ पर आयनाइजिंग करंट
जो है वो सैचूरेट हो गया। स्टार्टिंग में क्या हुआ, वोल्टेज के बढ़ने के साथ साथ वो बढ़ गया, एक स्टेज आई जहाँ पर ये बढ़ने से रुक गया, सैचूरेट हो गया एंड इट इज़ हैविंग द सेम वैल्यू आफ्टर दैट, कि आप उस वोल्टेज पर जितनी भी वोल्टेज बढ़ाएंगे, जो वोल्टेज की जो पल्स है, जो आयनाइजेशन करंट है, वो आपको सेम वैल्यू का मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस रीजन इज़ नोन एज दिस रीजन वेयर द वैल्यू ऑफ आयनाइजिंग करंट इज सेम और द कॉन्स्टेंट, दैट इज़ नोन एज द प्लेटो रीजन। तो वी विल गेट द प्लेटो रीजन वेयर द रिकम्बिनेशन गेट्स जीरो। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द सैचुरेशन करंट ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर के, एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस चैम्बर, सो वी विल स्टडी देम एडवांटेजेस नाउ। आयनाइजेशन चैम्बर फर्स्ट एडवांटेज क्या है, आयनाइजेशन चैम्बर जैसे कि आपने इसकी वर्किंग देखी, वर्किंग को समझा, आयनाइजेशन चैम्बर एक प्रेफरेंस रखता है ओवर ऑल चैम्बर। व्हाई? बिकॉज जितना भी इसमें जो चार्ज बना है ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ गैस, दैट इज ओनली ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल इंसिडेंट, जिस भी चार्ज, तो हम इसमें करेक्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हम करेक्टली इसमें एक्यूरेट वैल्यूज की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कोई भी डेड टाइम या रिकवरी टाइम की कैलकुलेशन हमें नहीं रखनी पड़ती, जो कि आप जीएम काउंटर में हमें ज़रूरत पड़ती है। नो एम्पलीफिकेशन, हमें जो पल्स एम्पलीफायर है उसमें, उससे हमें कोई भी एम्पलीफिकेशन, जो हमारा आयनाइजेशन करंट है या यूँ कहें कि जो हमें पल्स मिल रही है वोल्टेज पल्स, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एम्पलीफिकेशन करवाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। तो डिटेक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर रेडिएशन कैन बी यूज फॉर बोथ एक्टिविटी मेजरमेंट्स एज वेल एज टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, कि मतलब हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं रेडिएशन को और चार्ज पार्टिकल्स की अमाउंट को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आयनाइजेशन चैम्बर। डिसएडवांटेज ये है इसका, इसमें क्योंकि हमें गैस का लो प्रेशर रखना है, तो लो प्रेशर पर हम गामा रे को डिटेक्ट इसमें नहीं कर सकते। गामा रे इज ए हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन एंड नीड हाई प्रेशर ऑफ गैस टू बी डिटेक्टेड। अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन को अगर हम मान लीजिए गैस का प्रेशर इंक्रीज करवा दें और इन रेडिएशंस को पेनिट्रेट करवा दें आयनाइजेशन चैम्बर में, तो जो हम इन तीनों में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि हमने अल्फ़ा रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया है या बीटा को या गामा को। वी कैन ओनली डिटेक्ट द नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि बीटा और गामा का जो है पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लार्ज है और लो प्रेशर पर ये उतने ही, जो इनके एनर्जी जो है गैस में एब्जॉर्ब होगी एंड उतने नंबर ऑफ आयन पेयर्स नहीं बन पाएंगे जितने उस एनर्जी पर बनने चाहिए, नंबर ऑफ आयन पेयर्स उतने ही बनेंगे जितना अल्फा रेडिएशन के इंसिडेंट पर बनेंगे, बिकॉज द गैस इज एट द लोअर प्रेशर, सो इट कैन नॉट मेक अ डिफरेंस बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन।